हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीमा शर्मा। वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की। लास्ट ईयर से जो 2019 और 20 का था, उसमें सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया था कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पैटर्न है, उसमें एमसीक्यूज को भी इंक्लूड कर दिया। एमसीक्यूज में आपसे चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग एंड टिक द करेक्ट आंसर है। ये फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो आपको एमसीक्यूज रेडी करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इससे आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में कन्फर्मली इवन 11th क्लास के क्वेश्चन पैटर्न में भी आपको पेपर पैटर्न जो होगा उसमें आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो इजीली मार्क्स करना, गेन करना ईजी होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि एमसीक्यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप जल्दी से एमसीक्यूज के आंसर दे सकते हैं। सो दैट आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो है हमारा चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की स्टडीज हम करेंगे, और उनको आपको मैं पूरा क्लियर करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनके आंसर ये हैं। तो हम पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे और एमसीक्यूज देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। इसमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, डज नॉट लिखा है, ध्यान क्या रखना है, डज नॉट नहीं है। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यस ये करती है प्रोडक्शन। प्रेजेंस ऑफ रिस्क, यस प्रेजेंस है, रिस्क होती है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यस सेल्स होती है, एक्सचेंजिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की। और लास्ट, सैलरी और वेजेस, नहीं 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 इसमें नहीं होता सैलरी और वेजेस। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी। तो बिजनेस एक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हो गई, प्रोडक्शन करते हैं हम, रिस्क होती है, और सेल और एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। शुगर मिल्स और ऑयल रिफाइनरी कौन सी इंडस्ट्री में आते हैं, शुगर मिल्स और ऑयल रिफाइनरी कौन सी इंडस्ट्री में आते हैं। तो शुगर मिल्स किस में आएगी, ऑयल रिफाइनरी किस में आएगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगी, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा कि ऑयल रिफाइनरी तो मैम प्राइमरी सेक्टर में आनी चाहिए, नहीं, ऑयल रिफाइनरी है ये, ठीक है, ये ऑयल निकालने के लिए प्लांट नहीं है, ये ऑयल की रिफाइनरी है, उसको क्या कर रही है, साफ कर रही है ऑयल को, ठीक है। तो रिफाइनरी है तो किस में आएगी, सेकेंडरी में आएगी। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हम पढ़ चुके हैं, अब इसमें से कौन सी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नहीं है पता करिए, माइनिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन। पता चला आपको, इंश्योरेंस थी उसमें, यस इंश्योरेंस थी, ट्रांसपोर्टेशन, यस वेयर हाउसिंग, यस माइनिंग, नो माइनिंग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नहीं है। सो दैट आंसर क्या हो गया इसका, ए, माइनिंग को हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेमुनरेटेड इन हिज रिटर्न। तो ऐसे लोग जो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं और वो दूसरों के लिए वर्क करते हैं और रेमुनरेशन उनको मिलता है रिटर्न में, तो उनका वो क्या कहलाता है, क्या बताइए क्या कहलाएगा, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं किसी और के यहाँ कर रहे हैं और बदले में उनको क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिल रहा है, तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, पर्टिकुलर रेमुनरेशन मिलता है, और ऑक्यूपेशनल पर्सन्स जो होते हैं, जो स्पेशलाइज होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में किसी और के यहाँ वर्क करके और फिर क्या करते हैं, रेमुनरेशन यानी पर्टिकुलर सैलरी और वेजेस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो अदर इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है, वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉमर्शियल, टर्शरी, कौन सी होती है, टर्शरी इंडस्ट्री, क्योंकि वो क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करती है प्रॉपर फंक्शनिंग में, तो कौन सी इंडस्ट्री हुई, टर्शरी इंडस्ट्री हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कौन सा इसमें से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कैन नॉट लिखा है, तो कौन सा इन्वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्टिव है,
प्रोडक्टिविटी का बिल्कुल है प्रोडक्शन इंक्रीज करना, इनोवेशन बिल्कुल है इनोवेशन करना, इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क कब नहीं बढ़ती, कौन सी सिचुएशन में बिजनेस रिस्क नहीं है? चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, एम्प्लॉयज डिसऑनेस्टी, गुड मैनेजमेंट या पावर फेलियर। क्या पूछा है? बिजनेस रिस्क किसकी वजह से नहीं होती? गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस होती तब होती है, यस रिस्क रहती है अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए तो। एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट हो जाए तो यस लॉसेस होने के, रिस्क होने के चांसेस रहते हैं। पावर फेलियर हो जाए तो बिल्कुल रिस्क होने के चांसेस होते हैं, आपका जो एम्प्लॉय है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। बट गुड मैनेजमेंट की वजह से रिस्क कभी भी नहीं होता है। सो दैट आंसर इज बी, गुड मैनेजमेंट की वजह से रिस्क नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है, किस में होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो प्रोप्राइटर और बिजनेस एक ही होता है। पार्टनरशिप में नहीं, पार्टनरशिप में भी अलग अलग आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस नहीं होती है। कंपनी, यस कंपनी में क्या होती है? लीगल एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की, तो इसकी ओनरशिप और उसका मैनेजमेंट अलग अलग होता है। सो दैट आंसर इज सी, इसका क्या आंसर होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज़, कर्ता की कैसी होती है लाइबिलिटी, बताइए कैसी होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड या जॉइंट लाइबिलिटी या नो लाइबिलिटी? बिल्कुल क्या होगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट देखिए, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल इज फॉलोड, कौन सा प्रिंसिपल काम करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में? कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन सा प्रिंसिपल है जो बेसिकली वर्क करता है? कौन सा? वन शेयर वन वोट, वन मैन वन वोट, नो वोट, मल्टीपल वोट्स, कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर होगा वन मैन वन वोट। अगर शेयर्स के बेस पर नहीं होता, जिसने ज़्यादा शेयर्स ले रखे हैं उसको ज़्यादा वोट करने की पावर नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक पर्सन है तो उसको एक वोट ही देने का राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी आर इलेक्टेड बाय, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है, कौन चूज करता है? जनरल पब्लिक करती है, गवर्नमेंट बॉडीज करती है, शेयर होल्डर्स करते हैं या एम्प्लॉयज करते हैं? आंसर होगा शेयर होल्डर्स। कौन ज्वाइन करता है, कौन इनको इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स इनको इलेक्ट करते हैं, जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं अपना वोट देके। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द पार्टनरशिप बिजनेस आर, पार्टनरशिप के बिजनेस में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? वैसे तो मैंने आपको बताया था 10 और 20 जो बताया था मैक्सिमम मिनिमम, पर नए एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? 50 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने हैं? 50 होते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक पार्टनरशिप में हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट नहीं बांटा जाता। दिस स्टेटमेंट इज रेफर्स टू, बताइए किस में? सोच के बताइए जल्दी जल्दी। प्रॉफिट्स किस में नहीं बांटे जाते? पार्टनरशिप में बिल्कुल पार्टनर सारे बांटेंगे। जॉइंट इन द फैमिली में बिल्कुल फैमिली मेंबर सारे बांटेंगे। कंपनी में यस शेयर होल्डर के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सिंगल पर्सन है तो सारा प्रॉफिट कौन इन्जॉय करेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप इन्जॉय करेगा, प्रोप्राइटर इन्जॉय करेगा। नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ पार्ट्स। कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड्स होती है, उनको क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो शेयर खरीद करके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, और कंपनी की जो कैपिटल होती है वो डिवाइड होती है छोटे छोटे टुकड़ों में, दैट इज़ कॉल्ड शेयर, ओके। नेक्स्ट देखिए, द हेड ऑफ जॉइंट अनडिवाइडेड बिजनेस इज कॉल्ड, कौन होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का हेड कौन होता है, ठीक है, कौन होता है? कर्ता, क्या बोलते हैं उसको? कर्ता बोलते हैं। और बाकी सारे मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? को पार्सन्स, क्या होते हैं? को पार्सन्स होते हैं। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो हेड है वो क्या है? कर्ता है, और बाकी सारे मेंबर को पार्सन्स है। नेक्स्ट देखिए, प्रोविज़न ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, रहने की व्यवस्था करना, मकान बनाना,
टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कौन सी सोसाइटी, कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने मेंबर्स के लिए लो रेट पर अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाए। किसका ऑब्जेक्टिव है? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्योंकि ये हाउस बना के देती है। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज़ अननोन टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को उसका पता नहीं है, ऐसा पार्टनर जिसके बारे में जनरल पब्लिक को पता नहीं है, वो नहीं जानती कि ये पार्टनर है, तो वो कौन सा पार्टनर होगा? एक्टिव पार्टनर तो वो होता है जो मैनेजमेंट में एक्टिवली वर्क करता है। नॉमिनल पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम देता है। स्लीपिंग पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर जिसका किसी को पता नहीं होता। सो दैट आंसर इज सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं? 2, 3, 5, 71 टू मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने रिक्वायर्ड थे? 2 मेंबर रिक्वायर्ड थे, बट पब्लिक कंपनी को 7 मेंबर्स। तो आप लर्न रखेंगे, पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है और प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज इज फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड डज नॉट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कौन गवर्नमेंट के पार्ट में काम करता है, गवर्नमेंट का पार्ट होता है, गवर्नमेंट उसी के थ्रू अपनी फंक्शनिंग करती है, कौन सा होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्या है? गवर्नमेंट का पार्ट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी फंक्शन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स आर कॉल्ड, ये आपके क्वेश्चन हट गया है, वैसे इसका आंसर है जॉइंट वेंचर, जब दो पार्टनरशिप फर्म मिल जाती हैं, दो कंपनीज आपस में मिलकर वर्क करती तो उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर फर्म एंड पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर अगर कोई वर्क कर रहा है पार्टनरशिप में तो वो होता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज फॉर्म बाय पासिंग स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट को पास करके किसका फॉर्म किया जाता है? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, नहीं, ये मिनिस्ट्री के थ्रू होता है। गवर्नमेंट कंपनी, नो, इसका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट के अंडर में। प्राइवेट कंपनी, नहीं, प्राइवेट कंपनी भी किसके अंडर करते हैं? कंपनीज एक्ट के अंडर में। हाँ, पब्लिक कॉर्पोरेशन है जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है? पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू होता है। सो दैट आंसर इज बी, पब्लिक कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट कंपनीज बाय शेयर्स इन हुज नेम, किसके नाम से खरीदती है गवर्नमेंट कंपनी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके नाम से खरीदती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और स्टेट है तो गवर्नर ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है गवर्नमेंट कंपनी तो वो होगी गवर्नर ऑफ द स्टेट, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो किसके नाम से होगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कम्स अंडर विच सेक्टर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसके अंदर आती है? पब्लिक लिमिटेड है तो पब्लिक लिमिटेड तो किसके अंडर में आएगी? पब्लिक सेक्टर के अंडर में आएगी। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री नेशन, ये क्वेश्चन आपका हट गया है, पर अगर बहुत सारे नेशन में कोई कंपनी वर्क कर रही है तो उसको बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी, शॉर्ट में बोलते हैं MNCs। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन अटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड, जब बहुत ज़्यादा सीक्रेसी चाहिए तो विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज सूटेबल, कौन सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सूटेबल होता है अगर हमें बहुत ज़्यादा कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या सीक्रेट ही कुछ वर्किंग करनी है तो बेटर रहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि ये मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और गवर्नमेंट इसी के थ्रू अपनी फंक्शनिंग कंप्लीट करती है। सो दैट आंसर इज सी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट, हाउ पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइन, पब्लिक कॉर्पोरेशन के रूल्स रेगुलेशंस पावर्स एम्प्लॉयमेंट की जॉइनिंग सब कुछ किसके अंडर में आती है? बाय अ स्पेशल एक्ट, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू इसको फॉर्म किया जाता है और इसके सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह किसके थ्रू होते हैं? स्पेशल एक्ट के थ्रू होते हैं। तो ये बेटा आज हमने
आपके जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है उसके एमसीक्यूज देखे। ये एमसीक्यूज आपको समझ आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्या आंसर किसी क्वेश्चन का आंसर क्यों है मैंने आपको रीजंस के साथ में क्लियर किया है। आपको अपनी कॉपी में तुरंत नोट्स बना लेने हैं और साथ ही एक काम करें कि इन सारे क्वेश्चंस को अपने पास संभाल करके रखें ताकि आप कभी भी इससे रिलेटेड स्टडी करना चाहें तो कर सकें। तो ये आपको एमसीक्यूज हेल्प करेंगे। होप करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी।